फिर सब अपनी बाइक की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, कितना पिकअप बढ़ा है और कैसा अपने को रेस्पॉन्स मिला। सर 220 का क्लच प्लेट हमने इसमें इंस्टॉल किया था, तो मुझे लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टैक। ना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्लच प्लेट चेंज होगी, 150 की जगह 180 की इंस्टॉल होगी, सीजर गियर होगा, ठीक है, बाकी फिल्टर वगैरह होगा, एक ये है ना ये टेंशनर, इसमें एक छोटा सा नट वेल्ड होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये नट जो है अपना, ये उस साइड खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है अपना। दोस्तों हमने अपना ये उल्टा वाला नट भी खोल लिया है, आप देख सकते हो, देख सकते हो आप लोग ये वाला वॉशर। ओके चलिए, अब अपनी ये क्लच असेंबली धीरे धीरे बाहर आ जाएगी, ये देख सकते हो, ये मेरे को दिखा दो आप। अब आप देख सकते हो इसमें जो है क्लच प्लेट 1, 2, 3, 4, 5 है, और इसके जो सेंटर में चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रेशर प्लेट बोलते हैं, वो इसमें मेरे ख्याल से 4 होती हैं। दिखा देता हूँ आपको, इनके गैप में जो है एक ये है, 2, 3 और एक ये 4। ओके चलिए इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर साइड यहाँ पे। ओके और सीजर गियर अपना खोल लेते हैं। वाशर दोनों तरफ, दोनों साइड ना, निकाल लो। हाँ निकाल लो, ये लो क्लच कटोरी भी अपनी निकल गई। दोस्तों देख सकते हो हम ले आए हैं पल्सर 180 पल्सर 220 क्लच असेंबली, इसका पार्ट नंबर है DK101563 या सेंटर असेंबली क्लच है ना, ये देख सकते हो आप लोग। और इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको मैं इसी में दिखा देता हूँ, ये एक पिन और इसके अंदर ये दूसरी, ये देखें ये हमने खोल दी। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कितनी क्लच प्लेट है और कितनी प्रेशर प्लेट होती हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लच प्लेट हैं, और 1, 2 जो स्टील जैसी आप देख रहे हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और एक 5 प्रेशर प्लेट हैं। ओके तो अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हटा देंगे और ये दोनों रिंग हटा देंगे, उसके बाद हम ये इंस्टॉल करेंगे एक पूरी क्लच प्लेट इसमें इस वाली नई असेंबली में। ओके अब सीजर गियर मेरा बिल्कुल ही ठीक है, इसका कहीं से कोई भी कट पिट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है इसका। यही चीज़ तो मेन है अपने को देखना, ये चेक करना है कि दोनों हॉल तो इसमें 6 क्लच प्लेट होते हैं और उसमें कितनी 5 चेक करने पर घुस रहा है। हाँ पहले चेक कर लो, सही है, टकाटक मस्त है ना, कटोरी में देख लो, कटोरी में देख लो, सही चला जाएगा ना। बस अब हाँ इसके रिंग हटाओ और वो हटाओ और एक क्लच प्लेट एक्स्ट्रा उसमें लगाओ। ये अब अपन लग गए हैं इसको खोलने पे, पल्सर 180 की क्लच असेंबली, 220 की भी क्लच असेंबली सेम होती है, यही होती है। देख लेते हैं इसमें, हाँ खोलो, इसको खोलो, देखते हैं इसके अंदर ब्रांडिंग कौन सी कंपनी की है। ये देखिए FCC इंडिया, ये रही दोस्तों FCC इंडिया। ओके तो दोनों की कंपनी बिल्कुल सेम है, हमने ये हटा दी है पतली वाली, और इसकी ये दो रिंग भी हटा रहे हैं हम, 1, 2। इसकी जगह पर हम जो क्लच प्लेट लगाने वाले हैं अपने पुराने वाले क्लच प्लेट से उठा के ले आते हैं, और ये देखिए पतली वाली है और ये इसकी पुरानी वाली रिंग है। ना जी भाई इसमें से जोन सी अच्छी है वो आप देख लो, लगभग सारी ही ठीक है ना, ये हमने लगा दी, ये देखो इसको बीच में लगा, बीच में लगाओगे, बीच में लगा दो, सबसे नीचे क्लच प्लेट जाएगी ना। ये पुरानी वाली है, ये इसको हमने इसमें लगा दी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये हाफ वाली क्लच प्लेट हटा दी है और इसकी ये दोनों रिंग भी हटा दी हैं। ओके ये देख सकते हो, और अब ये अपने अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पर, रिंग लगा दांते से गिनना 1, 2 इसको यहाँ ले 3, हाँ बस ठीक।
दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे एक अपने को चैम्बर में निशान मिल जाएगा उसकी सेटिंग के हिसाब से है, और इसकी यहाँ पे एक अंदर निशान है चैम्बर में, ये देख सकते हैं इसके हिसाब से इसकी सेटिंग है। चलो भाई वो तुम्हारा असेंबली स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक, ये अपनी पैक करिए। हाँ, इसके पीछे क्या वार्सल वगैरह वो जो लगने हैं सब लगा रहे हैं। ये वार्सल है ना, ये कटा हुआ साइड अंदर रहेगा और बिना कटा हुआ साइड बाहर रहेगा। ये लगा दिया हमने इसका वार्सल, ये उल्टा, ये उल्टा नट अपना, ये उल्टी साइड घूमे। अच्छे लोग नाजिम भाई पता क्या करते भाई, आपको ना ये कटोरी भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप पल्सर 180 या 220 का अगर क्लच प्लेट लगाते हो तो आपको ये कटोरी चेंज करनी पड़ेगी। एक बार सली इधर का आ गया है ना। अब इसका हम ये मेन पार्ट लगाने, ये क्लच चैम्बर है ना, टापा, ये लग गया सेट। चलो अब ऑयल डाल लेते हैं भाई। उसने ना 10W30 का दिया है मोटुल का, ठीक है दिखा दो ऑयल। ये देखो मोटुल का ऑयल है 10W30 का HT एच, वो तो हाईटेक लिखा हुआ फोर स्ट्रोक इंजन के लिए ना, 40 है ना फोर स्ट्रोक इंजन। तो 30 का होगा, 30, अब वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग जानोगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अब रियल में ये 150 की 180 हो गई है क्लच के हिसाब से। एक काम रह गया बस, इसके चैन टेंशनर को इसको खोल करके और इसको चलते हैं सामने, वो भैया बैठे हुए इनके पास चल के वेल्डिंग करवाते हैं। ये लगाई हम अपने चाबी, ये किया ऑन और ये आ गई इसमें लाइट। देख सकते हो दोस्तों, हमने ये बाइक अपनी चालू कर लिया और कोई वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन वगैरह कुछ किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं। चेक करो भाई, चेक करो, तुम चेक करो भाई, कुछ रास आता नहीं ना। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने मेरी बाइक को अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही राइड किया है और ये मेरी बाइक के चैम्बर में से धुआं सा उठ रहा है और इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये धुआं सा उठ रहा है मेरी बाइक के चैम्बर के नीचे से। तो दोस्तों सब कुछ गड़बड़ हो गया, पल्सर 220 का क्लच प्लेट हमने इसमें इंस्टॉल किया था, ओके, लेकिन मैंने सोचा था कि इससे मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत अच्छा पिकअप मिलेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया दोस्तों। पिकअप तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, लेकिन दोस्तों होता क्या है, मेरी बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ये जो आप नीचे का ये चैम्बर देख रहे हैं, इस जगह से स्मोक सा फील होता है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा तेज चला दो तो 3-4 किलोमीटर के बाद में यहाँ से हल्का हल्का धुआं उठने लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और तीसरे या चौथे गियर पर जब हम अपनी बाइक को चलाते हैं और क्लच छोड़ते हैं तो एकदम से इंजन से कट 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 की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई छंदर फंस रहा हो, कुछ अटक रहा हो, इस तरीके से आवाज़ आने लगती है। तो मुझे लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में कि आप लोग भी फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें। अब मुझे दोबारा अपने इस इंजन को खोलना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों मुझे बहुत महंगा पड़ गया। जब मैं बाइक राइड करता हूँ तो इस जगह अपना पैर होता है तो इसमें भी गर्म सा फील होता है। और दोस्तों इस मॉडिफिकेशन में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। इस मॉडिफिकेशन में मैंने जो जो गलतियाँ करी हैं, मैं उन गलतियों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से सुधार के दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये पता हो कि मैंने कौन कौन सी गलती करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने कौन कौन सी गलती करी है, ताकि मैं अपनी बाइक की परफॉर्मेंस को कर सकूं और उसको सुधार सकूं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ।